हेलो, मुझे अब लग रहा है कि मैंने शुरू करना चाहिए। आई एम जस्ट रिफरिंग टू व्हाट हैपेंड लास्ट वीक और द वीक बिफोर लास्ट। उसको थोड़ा रिफर करके मैं जाऊंगी आगे, क्योंकि जैसे रिफर करेंगे तो कनेक्शन हो जाएगा, और पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे थे उसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ा। आई एम वेटिंग फॉर 2-3 मिनट्स सो दैट पीपल ज्वाइन, एंड दे आर कमिंग इन फास्ट नाउ। आई एम हैप्पी। पिछली बार का आपने कैसे लगा, ये मुझे कुछ मिल गए उसके बारे में, कुछ कुछ मिल गया उसके बारे में, आपसे रिस्पॉन्सेस मिल गए और कोई प्रश्न भी मिल गए। मैं वो प्रश्न क्या थे वो भी मैं आपको बताऊंगी। स्पोर्ट्स बीट्स के जो है आदित्य और आयुषी, इन्होंने मुझे वो प्रश्न भी भेजे हैं और मैं इसके बारे में अब थोड़ा बात करूंगी कि कैसे हो रहा है ये सब हमारा। चलिए, मुझे लगता है शुरू करना चाहिए। जितने भी लोग आए हैं, लेट अस स्टार्ट। पिछली बार हमने क्या किया था, तो आपने कैसे करना है, ये जो कंपलसरी हॉलिडे मिली है उसमें हम क्या करेंगे, इसके बारे में हमने बात की थी। और इसके बारे में कहा था मैंने कि आप अपने कोच के साथ बात किया करो, अपने आप थोड़ा एक्सरसाइज किया करना, रेस्ट पीरियड कैसे ज़रूरी होता है इसके बारे में भी मैंने कहा था। लॉकडाउन का जो महीना 2 महीना हमें मिला है वो वेस्ट ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे उसके बारे में भी हमने थोड़ी बात की थी। इसके बारे में भी आपने मुझे प्रश्न पूछे थे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 प्रश्न मुझे आए थे, वो किसके बारे में थे कि हाउ कैन आई रिड्यूस फियर ऑफ अपोनेंट। जो हर एक लड़के को, लड़की को, हर एक खिलाड़ी को जो मेन प्रॉब्लम आता है कि मैं कंपटीशन में जाती हूँ या जाता हूँ तो मुझे थोड़ा डर लगता है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। समटाइम्स एक ने मुझे बताया था, वाइल प्लानिंग समथिंग ही गेट्स ब्लैंक। प्लान जो किया था खेलने का वो भूल जाता है और उसी पे बिना प्लान किए ही लगभग वो खेलता रहता है, तो ऐसे कैसे ना हो। तो ये चीज़ें तो अलग अलग है, लेकिन मैं अभी आज जो कहूँगी वो ज़्यादा करके फियर के बारे में कोई मैं टेक्निक बताना चाहूँगी आपको, और वो टेक्निक मुझे विश्वास है कि वो टेक्निक आपको ज़रूर यूज़फुल होने वाला है। सो नमस्कार अगेन, बाकी जो नए लोग आए हैं उनको भी नमस्कार। मैं शुरू करती हूँ। हाउ टू ओवरकम फियर एंड डाउट्स इन कॉम्पिटिशन, ऐसे आज का हमारा विषय होगा। आप सब प्लेयर्स हैं और ये आपको पता है कि कंपटीशन इज़ द मेन गोल। हम क्यों खेलते हैं? क्योंकि हमें कंपटीशन में खेलना होता है, हमें मैचेस में खेलना है और मैचेस में जीतना है। दैट इज़ द एम ऑफ एनी प्लेयर। जो हम इतना काम सारा करते हैं, इतना हार्डवर्क हम पुटअप करते हैं, वो किस लिए? वो इसीलिए कि हम अगले दूसरे हमेशा कंपटीशन आती रहती है और उसमें हमें जीतना है, इसलिए हम इतनी मेहनत करते हैं। मेरे पहले वाले वीडियो के बाद मुझे काफ़ी सारे प्लेयर्स ने प्रश्न पूछा कि हमें हर एक कंपटीशन में फियर का अनुभव होता है, वो डर क्यों लगता है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। मुझे डर ऐसे ही 2-3 प्रश्न थे कि मैं अच्छा खेल कर पाऊंगी या नहीं, इसके बारे में मुझे बहुत डाउट्स आते हैं, इस पर उपाय क्या करें। कोई क्या इसके लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के टेक्निक्स है जिसकी प्रैक्टिस करके हम आगे बढ़ सकते हैं और ये फियर भी कम कर सकते हैं। माय फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो नोटबुक भी साथ में रखो और हम बात करना शुरू करेंगे इसके बारे में।
आज मैं थोड़ा मेरी नोट्स को रिफ़र कर रही हूँ क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा टेक्निकल है. डर लगना, फियर इन कॉम्पिटिशन, भीति की वजह से मैचेस में अपना रियल गेम दिखा न पाना, ये हर एक प्लेयर की समस्या है. लेकिन वो खिलाड़ी जो इस पर मात करते हैं, आई होप यू कैन हियर मी, ये बात मैंने पूछी नहीं, कोई मुझे वेव करके बताएगा क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? कोई थम्सअप करेगा मेरे लिए? कैन यू हियर मी? आदित्य, आयुषी, आर यू देयर? ओके, गुड गुड, आई थिंक यू कैन हियर मी. अपने रियल गेम दिखा न पाना मैच में, ये भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है. लेकिन जो खिलाड़ी इस फियर पर, इस डर पर मात कर सकता है, जो इस समस्याओं के साथ लड़ सकता है, वो इस पर मात करके इस समस्या को जीत के आगे जाके वो अपने आप में आगे चला जाएगा, इस पर मुझे विश्वास है. एक बात आप समझ लेना कि स्पोर्ट्स इज नॉट जस्ट फिजिकल. स्पोर्ट्स का मतलब ये नहीं है, स्पोर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि हम फिजिकली बहुत मेहनत करें और उसके साथ फिजिकल फिटनेस भी रखें. तो हम कहते हैं कि इसमें तीन चीज़ें होती है, एक तो आपका स्पोर्ट्स स्किल होता है, दूसरा आपका फिजिकल फिटनेस होता है, तीसरी बात ये होती है कि आपका मेंटल फिटनेस, और आपको मेंटल स्किल्स कितने आते हैं. अगर आप ये तीनों चीज़ें संभल सके, तीनों चीज़ें अगर आपके पास अच्छे से है, तो आप बहुत आगे जा सकोगे. पहली बात तो यह है कि फियर ऑफ कॉम्पिटिशन, यह सिर्फ मेरी अकेले की समस्या है, ये अगर आप सोच रहे हो तो वो बहुत ही गलत बात है. आप ये समझ लो कि आप जैसे कॉम्पिटिशन में जा रहे हो, वैसे ही आपका कॉम्पिटिटर भी, आपके दोस्त भी कॉम्पिटिशन में जाते हैं, और जो भी कॉम्पिटिशन में जाता है उसको ये फियर ऑफ कॉम्पिटिशन की समस्या आती है. जैसे आपको डर लग रहा है वैसे उसे भी डर लग रहा है, जैसे आपको खुशी लग रही है जीतने की वैसे उसके पास भी खुशी लग रही है, ऐसी सभी चीज़ें यहाँ होती है. तो आप अकेले ही ऐसे नहीं हो कि जो जिनको फियर ऑफ कॉम्पिटिशन है, जिनको डर लग रहा है. इसमें मैं और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल डर न लगना, बिल्कुल ही नहीं डरना, बिल्कुल ही फियर के बिना, बिल्कुल ही टेंशन के बिना, बिल्कुल ही एंग्जाइटी के बिना अगर आप जाओगे कंपटीशन में, तो क्या आपको लगता है आप जीत पाओगे? तो ये बात बिल्कुल नहीं है. बात तो असली है यह है कि हर एक का थ्रेशोल्ड ऑफ एंग्जाइटी, हर एक का थ्रेशोल्ड ऑफ फियर अलग अलग होता है. जैसे कि किसी को बहुत एंग्शस हो तो परफॉर्मेंस अच्छी होती है, किसी को है कि बिल्कुल ही एंग्शस ना हो तो परफॉर्मेंस अच्छी होती है, और कोई होता है जिसका मीडियम एंग्जाइटी हो तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी. तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हम सबकी लेवल ऑफ एंग्जाइटी या लेवल ऑफ फियर इन कंपटीशन की ज़रूरत है कुछ, और वो थोड़ी एंग्जाइटी होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो हम बहुत बिंदास कह लेंगे, हारेंगे तो भी कुछ नहीं लगेगा, जीतेंगे तो भी कुछ नहीं लगेगा, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए. तो पहले जब हम सोचेंगे कि फियर निकालनी है, तो उससे पहले ये सोचना है कि मुझे कितने फियर की ज़रूरत है, मुझे मेरी ऑप्टिमल एंग्जाइटी लेवल कितनी है, ये ढूंढना हमारे लिए बहुत ज़रूरी की बात होती है. और इसके लिए आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट या आपके कोच दोनों भी मदद कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे कि ये जो डर आप कह रहे हो वो किस चीज़ का डर है. हर एक को अलग अलग बातों का डर लगता है, हर एक को अलग लेवल का डर लगता है. मैंने पिछले वेबिनार में कहा था कि और आज मैं इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा बात करना चाहती हूँ. जो प्लेयर खेलता है
जो सिर्फ खेलता नहीं है, खेलने के साथ सोचता भी है, वो उसके प्रॉब्लम पर हम आज विचार करने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत किस बात से की जाए? शुरुआत करेंगे सोचने से, फियर के बारे में सोचने से। फियर ये क्या होता है इसके बारे में सोचेंगे, और आपको भी सोचना है कि मेरी फियर जो है, मुझे जो प्रॉब्लम आती है वो है क्या चीज़। आज मैं आपको दो टेक्निक सिखाने वाली हूँ। पहला जो टेक्निक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो आप सब लोग करोगे तो आपको उसका ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। ये शुरू करने से पहले आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि आप आज मेरी बात सुन रहे हो, पिछली बार भी सुनी थी, इंडिया में बाहर भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं और वो अलग अलग आपको बात बताते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में जीतना और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ये कोई जादू नहीं है। जैसे कि मैं आज बताऊं और कल आप जाके जीत जाओगे, ऐसी बात नहीं है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कोई मैजिशियन नहीं होता। जैसे आप खेल बचपन से शुरू करते हो, 5 साल से शुरू करोगे, फिर आपका चॉइस ऑफ गेम होगा, फिर आप आगे चले जाओगे, वैसे ही बात हमारी होती है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जो टेक्निक है वो अचानक से मैंने बताए, आपने सीख लिए और 2 दिन में आपने प्रैक्टिस करके वो हासिल करके उस पर पूरा कब्जा किया और आप यूज़ करके वो आप मैचेस जीत गए, ऐसे नहीं होगा। जैसे आप ग्राउंड पर जाके प्रैक्टिस करते हो, जैसे आप फिजिकल फिटनेस करते हो, ऐसी ही बात स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जो भी टेक्निक्स मैं आपको बताऊँगी वो आपको प्रैक्टिस करने हैं और बहुत अच्छे दिल से बहुत सही प्रैक्टिस करने हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप ये सब करोगे और तो आगे जाए, शुरू करें ये समझ के कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ नॉट अ मैजिक। जो मैं बताऊंगी वो प्रैक्टिस वाली बात है और आपके फिजिकल प्रैक्टिस के साथ आप वो भी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट किसके लिए होगा? स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कौन कौन लेगा, किसके कौन जाएगा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास, ये पहला प्रश्न होगा। तो मैं कहती हूँ 12 से कम उम्र वाले जो है उन्होंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका कॉम्पिटिशन बढ़ता जाएगा, जैसे आप ऊपर जाओगे कॉम्पिटिशन में, वैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल स्किल्स की ज़रूरत होती है। और ये जो मेंटल स्किल्स मैं कह रही हूँ, वही आप मुझे भी पूछ रहे थे कि फियर मेरी जाए इसलिए कौन सा मेंटल स्किल होना चाहिए। मैं ज़्यादा पूरी, जैसे मैं प्रैक्टिस में खेलती हूँ, जैसे मैं प्रैक्टिस में खेलता हूँ, ऐसे खेलने के लिए मेरे पास कौन सी स्किल होनी चाहिए। तो ऐसे तरह तरह की बातें हैं और उसमें से ये जो मैं टेक्निक आज बताने वाली हूँ वो कई चीज़ों के लिए यूज़फुल है, लेकिन आज हम फोकस किस पर कर रहे हैं? आज हम फोकस कर रहे हैं फियर इन कॉम्पिटिशन के लिए, और ये मुझे लगता है सबके लिए बहुत यूज़फुल होगा। बढ़ती उम्र के साथ और बढ़ती कॉम्पिटिशन के साथ अपनी सोच भी बढ़ती है और मेंटल स्किल सीखना ये ज़रूरी बात हो जाती है। खुद के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं कि मैंने कैसे खेला, मैंने ऐसे क्यों खेला, आज मुझे डर क्यों लगा, इसके साथ ये दूसरा प्लेयर जो कंपटीशन में है उसके साथ खेलते खेलते मुझे डर क्यों लगता है, ऐसी सभी चीज़ें हमारे मन में आती रहती हैं। तो इसके लिए आपको एक काम करना है और वो काम है सोचने का। तो ये सोचने का काम करना यानी क्या करना, तो उसको मैंने नाम दिया है राइट अ डायरी। अपनी डायरी लिखनी है, अपनी डायरी रखनी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। हर एक प्लेयर की ये ज़रूरी है कि वो एक डायरी बना ले जिसमें वो खुद के खेल के बारे में लिखे, इमोशंस के बारे में लिखे, रिलेशंस के बारे में लिखे, अपने बिहेवियर के बारे में भी लिखे। तो ये सब सिर्फ मेरा है ऐसे नहीं, तो मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है, मेरी मैचेस में क्या होता है, इन सब के बारे में
आपको इस डायरी में लिखना है। तो शुरुआत करें। सो नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरकमिंग फियर इन कॉम्पिटिशन, हम उसी का उदाहरण लेते हैं। हर एक प्लेयर को अपनी लगभग सभी मैचेस याद रहती है। मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं होगा उसको याद नहीं कि मैं कब जीता था, उसके साथ मैं कैसे जीता था, या किसी दूसरे के साथ मैं कैसे हारा था। तो ये सब हमें याद रहता है और यही मैं तो है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको सोचना है मेरी ये 5 मैचेस कौन सी थी जो बहुत अच्छी गई, जिसमें मैं जीत गई या जीत गया, और मेरी वो 5 मैचेस कौन सी थी जिसमें मैं बुरी तरह से खेल के हार गया, जिसमें मैं शायद आखिर तक अच्छी तरह से लड़ गया लेकिन आखिर में कुछ हुआ और मैं हार गया। तो ये अब आपको सोचना है और लिखना है। तो अब हमें सोचना है कि ये जो मैचेस मैंने जीती थी तब मेरा मेंटल स्टेट कैसा था, तब मैं क्या सोच रही थी, तब मेरा मूड कैसा था, मैच में जाने से पहले और मैच के ड्यूरिंग मेरा मूड कैसा था। मैच के पहले 2-3 दिन मुझे किसने क्या बात कही थी, जो भी आपको याद है वो सब चीज़ें आपको आपकी डायरी में लिखनी है। एक एक मैच की जो आपके दिमाग में बैठी है वो मैच के बारे में आप लिखेंगे। वो मैच मैंने क्यों हारी थी, वो मैच के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बुरा क्यों लगा था, उस बारे में आप लिखोगे। मुझे पता है आप प्लेयर्स हो और लंबी बातें लिख नहीं सकते और लंबी बातें सुन भी नहीं सकते, इसलिए आपको इतना लिखना डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन इस बातों में आप लिखने वाले हो कि जीतते समय मेरी फियर कितनी थी, मुझे फियर लगती थी या नहीं, और जब हारने वाली मैच है तो मुझे फियर लगती थी कि नहीं, और कितनी फियर थी और क्यों थी, ये सब आप डायरी में लिखोगे। डायरी लिखने के बाद थोड़े दिन दूर रुक जाना और फिर से वो डायरी पढ़ लेना। अगर आप ऐसे 5-5 मैचेस के बारे में लिखोगे तो वो बाद में आप पढ़ लो और ख़ुद को भी आपको पता चलेगा कि मुझे किस बात का लर लगता है और क्यों लगता है। मैं ये बात आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप ये डायरी और जो आपकी बातें हैं अगर आपको तब भी पता ना चले तो आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो, आप मुझे मेल भेज सकते हो और हम फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप में से 5-6 लोग इकट्ठा मिल के मेंटल स्किल डिस्कस करना चाहेंगे तो भी आप मेरे पास फ़ोन करके आ सकते हो, यानी कि हम ऑनलाइन स्पोर्ट्स बीट्स इंडिया की तरफ से हम जूम पे बातें कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है आपको, पहले तो आपको डायरी लिखनी है और डायरी लिखने के बाद आप खुद पता करो कि मुझे किस बात का फियर है और ये फियर कैसे जाए। अब ये फियर कैसे जाए, इसके लिए टेक्निक है विजुअलाइजेशन का। ये टेक्निक मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ आज, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, शायद आपको कई लोगों ने बताया होगा उसके बारे में। विजुअलाइजेशन का उपयोग खुद का गेम इम्प्रूव करने में भी होता है और कंपटीशन में खेल इम्प्रूव करने में भी होता है। अभी आप जो घर पे हो तो अपना गेम कांस्टेंट रहे, वो बदले ना, वो कम ना हो जाए, और वो आपको ऐसे डर ना लगे कि 2 महीने के बाद मैं खेलूँ तो क्या मैं इससे बुरा खेलूँगा, तो ऐसे आपको लगना नहीं चाहिए अगर आप मेंटल रिहर्सल और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करो। आपको विजुअलाइजेशन में क्या करना है कि बिल्कुल डिटेल में अलग अलग प्लेयर के साथ आप मन में खेलने वाले हो, आप आंखें बंद करो और किसी भी प्लेयर से आप मैच खेलने वाले हो ये सोच के आप शुरुआत करो। और ये कितने भी देर, मुझे पता है मैं खुद टेनिस खेलती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन करती हूँ, इससे मैं पक्का बता सकती हूँ कि ना कि मैं जो रिटायर होके बहुत साल हुए हैं, लेकिन हर एक अच्छे वाला प्लेयर जो आज करता है वो ये विजुअलाइजेशन, ये मेंटल रिहर्सल करता है जिससे उनका गेम ख़राब नहीं होता। छुट्टियाँ हो तो भी आपकी मदद करता रहेगा।
तो विजुअलाइजेशन करते वक्त प्रैक्टिस भी विजुअलाइज करनी है, विजुअलाइजेशन करते वक्त कोई टेक्निक भी है जो आपको ज़्यादा लगता है कि मुझे ये टेक्निक थोड़ा कम आता है तो वो भी प्रैक्टिस करना है। विजुअलाइजेशन करना है यानी जो मैच जीत चुके हैं वो फिर से खेलनी है, जो मैच हार चुके हैं वो भी फिर से खेल के आपको देखना है कि मैंने जो गलतियाँ की वो अभी मैं मेंटल रिहर्सल में नहीं करूँगा, मेरे दिमाग में वो गलती मैं कभी नहीं करूँगा, और आपको प्रैक्टिस करती मिलेगी आपके दिमाग में हारने की भी और जीतने की भी। और ये मत भूलना कि जब दिमाग में कोई भी हारी मैच खेलोगे वो आप जीतने वाले हो, आप अपने मन में खेल के वो जीत के दिखाओगे, इससे आपका फियर काफ़ी कम हो जाएगा। ये सब करके आप महसूस करो कि मुझे कैसे लग रहा है, मेरी फियर कम हो रही है, मुझे प्रैक्टिस मिल रही है, मुझे मन से अच्छा लग रहा है। तो फियर कम करने के लिए ऐसे मन में प्रैक्टिस करना, जो प्लेयर के साथ अच्छे से गेम नहीं होता उसके साथ अपने दिमाग में खेलना, उसको दिमाग में हराना, ये सब चीज़ें हम करते रहेंगे। इसके लिए और भी स्पेसिफिक मैच के जो टेक्निक है वो मैं आज आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी आपके मैचेस शुरू नहीं हैं। अगली बार मैं विजुअलाइजेशन का और कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि आज जो मैंने डायरी का पॉइंट बताया वो इम्पॉर्टेंट भी था और काफ़ी बड़ा भी था, शायद वो करने के लिए आपको टाइम लगने वाला है। और प्लीज़ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं उसके ज़रूर डिटेल में जवाब दे दूँगी। आप मुझसे बात करना चाहो व्हाट्सएप पर, मैं ज़रूर आपसे बात करूँगी। फिर से कहती हूँ, अगर 4-5 लोग आप दोस्त हो और आप चाहते हो कि आप साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करेंगे, जूम पर बात करेंगे, कोई भी एक टॉपिक आप चूज करो, कोई भी प्रॉब्लम चूज करो, हम बात कर सकते हैं स्पोर्ट्स बीट्स की तरफ से। मैसेज भेजते रहना, मुझे बहुत ज़रूरी है कि आप मैसेज भेज दो, आपको ये मेरा वेबिनार कैसे लगा वो आप बताओ, और लेट अस बी इन टच, कांटेक्ट में रहेंगे। आपकी कोई भी समस्या हो आप मेरे पास आ सकते हो एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच, अब मैं विदा लेती हूँ आपसे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।